यस हेलो एवरीवन, तो 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये है रिवर्स। तो पहले हम इंडिया के रिवर्स की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बिहार के रिवर्स की भी बात करेंगे। तो जब हम रिवर्स को देख रहे हैं तो आप देखिएगा, दो पैटर्न नोटिस कीजिएगा। कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो कि नॉर्थ में बहती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंदस नदी की। ये इंदस नदी है, यहाँ से निकल रही है और ये यहाँ पर जा रही है पाकिस्तान, ठीक है। इसके साथ मिल रही है कौन सी नदी, तो झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, ये सब आकर मिल रही है सतलज से और फिर फाइनली सतलज जाकर मिल रही है इंदस से। ऐसा कहानी है नॉर्थ इंडिया का। उसी तरह से हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जिसे हम सैंगपो नदी कहते हैं। नामचा बाड़वा से यू टर्न लेकर ये भारत में एंटर करती है। भारत में तीस्ता, मानस, सुबानश्री, लोहित और यहाँ पे आप देखिए कि बड़ाक नदी, सब इसे मिल जाती है और फिर फाइनली ये जाती है सुंदरबंस में। फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं गंगा नदी। तो गंगा नदी जो कि गंगोत्री से निकलती है और ये भी जाती है ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है, मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ये कहानी है हिमालयन रिवर्स की। तो हम गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंदस को हिमालय नदी कह रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको कंसेप्ट। बाकी जो नदियाँ हैं जो हम प्रायद्वीप में देख रहे हैं, यानी कि हम पेनिनसुला में देख रहे हैं, जैसे कि नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, उसके ऊपर आप देखिएगा महानदी। तो ये सारी नदियाँ जो हैं ये हो गई प्रायद्वीपी नदी, यानी कि पेनिनसुलर रिवर्स। पेनिनसुलर पठारीय नदी भी कह सकते हैं क्योंकि ये प्लेट्यू में बह रही है। एक और डिवीजन हम कर सकते हैं, हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर तो हम पढ़ ही देख ही चुके हैं। अब कुछ ऐसी नदियाँ हैं जो कि अरब सागर में बह रही हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी, और बाकी नदियां जो हैं वो जा रही है बे ऑफ बंगाल में, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्रा। तो कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जाती हैं और कुछ ऐसी नदियां भी हैं बंगाल की खाड़ी में जा रही हैं, है ना। ज़्यादातर नदी जो है बंगाल की खाड़ी में ही जाती हैं और कुछ ऐसी नदियाँ भी हैं जो कि अरब सागर में जा रही हैं, ठीक है। तो अरब सागर में जाने वाली सिर्फ दो ही मेजर नदी है, एक है नर्मदा और एक है आपकी तापी। अब नर्मदा और तापी जो है ये क्यों जा रही है अरब सागर में, क्योंकि भ्रंज घाटी में है ये, क्योंकि ये भ्रंज घाटी से होते हुए बह रही है। भ्रंज घाटी यानी कि रिफ्ट वैली से, जहाँ पे ब्लॉक होगा। तो ब्लॉक जैसे मान लीजिए कि ये पूरा एक ब्लॉक है और एक घसक गया नीचे, तो ये जो घाटी बन गया ये भ्रंज घाटी बन गया और नर्मदा और तापी जो है वो भ्रंज घाटी में बह रही है, राइट। बाकी क्योंकि भारत जो है, भारत का प्लेन थोड़ा सा ईस्ट वर्ड झुका हुआ है, तो ये जो नदियां हैं ये फैल कर यहाँ पे एस्चुरी बना रही हैं, ये बे ऑफ बंगाल में जा रही हैं। क्लियर हो गया, तो ये कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझ में आ गया। अब हम एक एक करके नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि इंदस रिवर। इंदस का मतलब क्या है, इंदस नदी जो है वो भारत के बिल्कुल ही बाउंड्री पे बह रही है, इसी के कारण कहते हैं भारत को नाम भी मिला इंदस से हिंदस और हिंदस से हिंदुस्तान, है ना। तो आप देखिएगा कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, बहुत बड़ा है इंदस नदी, इसे हम सिंधु घाटी, सिंधु नदी कह रहे हैं। ये हिमालयस में बह रही है क्योंकि ये हिमालय के ही बर्फ पिघल पिघल के इसको पानी दे रहे हैं। इसे हम ट्रांस हिमालयन रिवर भी कहते हैं क्योंकि हिमालय के पहले से ये नदी बह रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांस हिमालयन नदियां कौन कौन सी हैं, ट्रांस हिमालय यानी कि हिमालय के भी पीछे से बह रही हैं ये, तो ये है इंदस, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। यही तीन नदी को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, गंगा को नहीं कहते हैं क्योंकि गंगा तो हिमालय से ही निकल रही है, हिमालय के बाद बनी है। इंदस बुखारचू से निकलती है। बुखारचू कहाँ है, तिब्बत में है और ये कैलाश पर्वत पे है। बुखारचू का मतलब क्या होता है, शेर का मुंह होता है बुखारचू का मतलब। लेह नाम का ये जो शहर है जो कि लद्दाख का कैपिटल है, ये भी आपका इंदस नदी के तट पर ही है। सतलज, झेलम, चेनाब, ब्यास, रावी, श्योक, जांस्कर, नुबड़ा, ये सब है इंदस की सहायक नदियाँ। तो आपसे यहाँ पे ओरिजिन पूछा जाएगा, इसे आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस बेसिक ही होते हैं, हम लोग ज्यादा पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीजों को इग्नोर कर देते हैं।
अब आता है गंगा नदी। अब आप कहानी तो जानते ही हैं कि अलखनंदा निकली थी कहाँ से, तो बद्रीनाथ से। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकली? अलखनंदा। और अलखनंदा से कौन सी नदी मिल गई? तो अलखनंदा से जो नदी मिलती है इसका नाम है भागीरथी। और ये जो भागीरथी है ये कहाँ से निकली? ये निकली गंगोत्री से। गंगोत्री में कहाँ से? तो गंगोत्री है उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी कहाँ है? तो उत्तरकाशी है उत्तराखंड में। अब ये उत्तराखंड में जो उत्तरकाशी है, पहाड़ का नाम क्या है? तो पहाड़ जो बर्फ़ है इसका नाम है गौमुख। ठीक है, तो ये है ग्लेशियर। ये दोनों मिल जाती है और इसे हम कहते हैं जहाँ मिलती है तो ये देवप्रयाग है। देवप्रयाग में जब दोनों मिल जाती है तो इस नदी को हम क्या कहते हैं? इस नदी को हम कहते हैं गंगा रिवर। इस नदी को हम गंगा नदी कहते हैं। ये क्लैरिटी आपको मिल गई? तो गंगा नदी जो है वो तो निकली गौमुख ग्लेशियर से भागीरथी के नाम से। देवप्रयाग में ये अलखनंदा के साथ मिलकर जो नदी मिलती है, जो बनती है, वो है गंगा। गंगा अभी तक पहाड़ों पे बह रही थी लेकिन हरिद्वार में ये आ जाती है मैदानी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और झारखंड का एक साहिबगंज जिला है जहाँ पर ये बहती है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, सोन, यमुना, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद सागर आइलैंड में, सागर द्वीप में जाकर ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। आगे हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है चेमा युंगदुंग से। ये क्या है? ये ग्लेशियर का नाम है चेमा युंगदुंग। ये कैलाश पर्वतों पे है, मानसरोवर में है। चेमा युंगदुंग से निकलकर हम इसे यारलोंग सांगपो कहते हैं, यानी कि इसे यारलोंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? तो ये तिब्बत में जाना जाता है। जांगपो इसको कहते हैं चाइना में, लेकिन जैसे ये भारत में आती है हम इसको दिहांग कहते हैं। जब ये दिबांग से मिल जाती है तो उसके बाद हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ये भारत में कैसे आती है? ये सादिया जिला से यू टर्न लेती है नामचा बाड़वा के पास। पहाड़ का नाम है नामचा बाड़वा। और नामचा बाड़वा से ये निकलकर कहाँ आती है? तो ये भारत में यू टर्न ऐसे नामचा बाड़वा में ये लेती है, भारत में आती है। धानश्री, सिकांग, लोहित, सुबानश्री, दिहांग, कामेंग, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपी नदियों की। तो जैसा हमने देखा कि नर्मदा और तापी थोड़ी अलग इसलिए है क्योंकि ये अरब सागर में जाती है, तो हम कहते हैं कि भ्रंज घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और तापी निकलती कहां से है? नर्मदा जो है ये विंध्या के, विंध्या पर्वत रेंज है, उसके नीचे नर्मदा बहती है। उसके बाद पर्वत रेंज का नाम है सतपुड़ा और उसके नीचे तापी बहती है। तो नर्मदा जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर हिरान और सैंग, बाड़ना और कोलार, ये सब नदियाँ इससे मिल जाती हैं। सरदार सरोवर डैम इसी पर बना हुआ है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये इसी नदी पर बना हुआ है। तापी कहाँ से निकलती है? ये बैतूल जिले से निकलती है मध्य प्रदेश में और ये सतपुड़ा रेंजेस में बहती है। तापी नदी के बारे में हम लोग देखेंगे कि ये जो है नर्मदा के पैल्लड़ बहती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्र में ये बह रही है तापी नदी। आगे हम देखेंगे महानदी। महानदी के बारे में हम देखेंगे कि ये रायपुर जिले में बहती है, रायपुर जिले से निकलती है, छत्तीसगढ़ में है रायपुर। महानदी बंगाल की खाड़ी में जाती है। महानदी बहुत बड़ी सी नदी है। जो मोगली की पूरी कहानी है वो महानदी पे ही है। महानदी से सवाल क्या आता है कि सियोनाथ हसदेव एब जोंकिंग तेल, ये सब कहाँ है? ये सब इसकी सहायक नदी है, यही सवाल महानदी से पूछा जाता है। महानदी पे एक डैम भी है जिसका नाम है हीराकुंड डैम। ये भारत का सबसे लंबा डैम है, राइट। गोदावरी, गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर है गोदावरी का, ये त्र्यंबकेश्वर है नासिक जिले में। तो आपको त्र्यंबकेश्वर याद रखना है, लोग जाते भी हैं यहाँ पे, है ना, बाबा के दर्शन करने। तो त्र्यंबकेश्वर जो है ये कहाँ पे है? नासिक जिले में है। गोदावरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा, ये सब गोदावरी की सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर से।
कृष्णा नदी जो है ये सेकेंड ईस्ट फ्लोइंग लार्जेस्ट रिवर है साउथ इंडिया में, यानी कि गोदावरी के बाद जो बड़ी नदी है वो है कृष्णा। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा इसकी सहायक नदी है। कृष्णा बहती है महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। ये निकलती है कहाँ से? महाबलेश्वर से। कावेरी निकलती है कोडागु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से और ये ब्रह्मगिरी की पर्वतों से निकलती है। फिर आप देखेंगे कि अमरावती, हेमावती, भावनी, कावनी ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये है कावेरी। कावेरी को साउथ की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा हम गोदावरी को कहते हैं, लेकिन क्योंकि कावेरी की पूजा होती है तो इस कारण से इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दक्षिण गंगा है गोदावरी क्योंकि वो लंबी है, लेकिन पूजा पाठ होने के कारण गंगा ऑफ साउथ इंडिया हम कावेरी को कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। कैसा लग रहा है 10 मिनट सेशन, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।